लेकिन सवाल आता है कि बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक सिर्फ इलेक्शन के लिए कोई स्ट्रेटेजी है या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग हो रही है। आज बॉर्डर पे पूरी तरह से शेलिंग रुकी है और अगर शेलिंग होती भी है तो बॉर्डर एरियाज में बंकर बनाए गए हैं सभी के घरों में, वहां पे जाके वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी डिस्कशन चल रही है। हाय एवरीबॉडी, दिस इज गरम महाजन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्बाइन एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो फिलहाल इस समय जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के में, जम्मू कश्मीर की सियासत में गरमाया हुआ है। जी हाँ, सही गेस लगाया आपने, टॉपिक है जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन एंड बीजेपी मास्टर स्ट्रोक फॉर जम्मू एंड कश्मीर रीजन। दोस्तों, अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और अगर आप भी जम्मू कश्मीर के निवासी हैं जिसको पॉलिटिक्स में से जुड़ना बड़ा पसंद है, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में आपको कई सारी चीजों के बारे में पता लगेगा, जिसमें बीजेपी का क्या मास्टर स्ट्रोक है जम्मू कश्मीर को लेके, ये डाउट आपके क्लियर होंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक फॉर ऑल द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। चैप्टर वन, बीजेपी प्रेपरेशन फॉर जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2024। दोस्तों, 2019 में आर्टिकल 370 के एबोलिशन के बाद जम्मू एंड कश्मीर का पूरा पॉलिटिकल डायनामिक्स बदल चुका है और अब बीजेपी का माइंडसेट ये है, बीजेपी का एम ये है कि वो जम्मू एंड कश्मीर असेंबली इलेक्शन में मेजोरिटी लाकर अपनी सरकार बनाना चाहती है। लेकिन सवाल ये आता है कि बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की कोई एक स्ट्रेटेजी है या इसके पीछे किसी बड़ी प्लानिंग का हाथ है, क्या इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग चल रही है। चैप्टर टू, स्ट्रेटेजी बिहाइंड डेलिमिटेशन कमीशन। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी ने खेला है वो है डेलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करना। साल 2022 का समय था जब डेलिमिटेशन प्रोसेस चालू होता है डेलिमिटेशन कमीशन द्वारा, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर असेंबली सीट्स को रीडिफाइन किया जाता है, जिसके तहत जम्मू रीजन को 43 और कश्मीर रीजन को 47 सीट्स मिलती है। लेकिन इस सीट रिस्ट्रक्चरिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से फायदा हो सकता है, चलिए इस चीज को समझते हैं। दोस्तों, पहले कश्मीर रीजन में सीट से ज्यादा थी लेकिन जम्मू रीजन में कम थी। जब डेलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम स्टार्ट किया तो उन्होंने कश्मीर में सिर्फ एक सीट बढ़ाई लेकिन जम्मू रीजन में काफी सीट्स, 4-5 सीट जो है वो बढ़ाई गई। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि जो सीट्स बढ़ाई है ना, लाइक अगर हम बात करें कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जसरोटा सीट बढ़ाई है, ये पहले नहीं होती थी। तो बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक ये कहता है कि इन सीट्स पे हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की इन सीट्स के ऊपर अपना दाव खेल सकती है। भारतीय जनता पार्टी इन सीट्स को टारगेट कर सकती है जहां पे हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है। और ये हम सभी जानते हैं कि बीजेपी बेसिकली एक ऐसी पार्टी है जिसको ज्यादा सपोर्ट हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन के साथ मिलता है। लेकिन अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें, वहां पे ज्यादा सपोर्ट रहेगा नेशनल कॉन्फ्रेंस को, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को, इंजीनियर राशिद की पार्टी को, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी जो अल्ताफ मुख्तारी जी की है, आजाद जी की आजाद पार्टी को, इनको ज्यादा वहां पे सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू रीजन की, जहां पे हिंदू मेजोरिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, यहां पे सपोर्ट मिलने के चांसेस है भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए इन्होंने डेलिमिटेशन प्रोसेस के जरिए जम्मू रीजन में सीट्स जो है उसको बढ़ाया गया है ताकि इन सीट्स पे भारतीय जनता पार्टी अपनी जो जीत है वो परचम लहरा सके। चैप्टर थ्री,
फोकस ऑन डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। दोस्तों आर्टिकल 370 के एबॉलिशन के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर में प्रेसिडेंट रूल लगा, जब गवर्नर राज जिसको हम कहते हैं वो लगा, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जो डेवलपमेंट और सिक्योरिटी की जिम्मेवारी थी ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली गई और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको बड़े बेटर वे में निभाया है। इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आज जम्मू एक एजुकेशनल हब बना हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में दो एम्स हैं, आईआईटी है, आईआईएम है। जिस जम्मू कश्मीर को कुछ दशकों पहले इसके लिए जाना जाता था कि जम्मू में कोई भी टॉप लेवल का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है और जम्मू कश्मीर के बच्चे बाहर के स्टेट्स में जाते हैं हायर एजुकेशन को गेन करने के लिए, आज उसे जम्मू कश्मीर में टॉप लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। एम्स भी है, आईआईटी भी है, आईआईएम भी है और आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि बाहर के स्टेट्स के स्टूडेंट्स जम्मू कश्मीर में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर की जीडीपी भी ग्रोथ हुई है। दोस्तों अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो वर्ल्ड का हाईएस्ट सबसे ऊंचा ब्रिज जम्मू एंड कश्मीर में बना है, चिनाब ब्रिज, वो भी आर्टिकल 370 के एबॉलिश होने के बाद ही बना। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो आर्टिकल 370 के एबॉलिश होने के बाद शेलिंग पूरी तरह से रुकी है। बीच में एक दो केसेस ऐसे आए हैं जहां पे पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की गई हो, लेकिन बाकी शेलिंग पूरी तरह से रुकी है। पत्थरबाजी का तो एक भी केस जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के एबॉलिश होने के बाद आया नहीं है। और अगर हम सिक्योरिटी की एक और बात करें तो वो है बॉर्डर एरियाज। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आज बॉर्डर एरियाज पे शेलिंग पूरी तरह से रुकी है। आज पाकिस्तान हिम्मत नहीं कर पाता जम्मू और कश्मीर को टारगेट करने के लिए, गोलीबारी करने के लिए, गोलाबारी करने के लिए। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा होता भी है तो बॉर्डर एरियाज में जितने भी घर है वहां पे बंकर बनाए गए हैं कि अगर गोलीबारी होती है, अगर बारूद वगैरह गिरते हैं तो आप उस बंकर में जाके सुरक्षित अपने आप को कर सकते हैं। चैप्टर 4, पॉलिटिकल अलायंसेस एंड रीजनल कनेक्शन। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का जो अगला मास्टर स्ट्रोक है वो है पॉलिटिकल अलायंसेस बनाना, लोकल कनेक्शन बनाना। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने काफी नए लीडर्स को प्रमोट किया है और रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी डिस्कशन चली है। ये स्ट्रेटेजी ना ही केवल बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करेगी ग्राउंड लेवल पे, बल्कि कश्मीर रीजन में भी बीजेपी की जो चीजें हैं, बीजेपी ने जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। क्योंकि जब बीजेपी ने लोकल लेवल पे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किए, रीजनल लेवल पे कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश किए, पॉलिटिकल अलायंसेस बनाई, तो वो लोग गांव-गांव गए, वो लोग जगह-जगह गए और भारतीय जनता पार्टी के जो डेवलपमेंट थी उसको लोगों तक हाईलाइट किया, जिसके तहत उम्मीद है कि ग्राउंड लेवल पे भारतीय जनता पार्टी को असेंबली चुनाव में काफी सपोर्ट मिलेगा, काफी बढ़ाव देखने को मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को अपनी वोटिंग परसेंटेज में। चैप्टर 5, द कंक्लूजन। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने कई सारी स्ट्रेटेजीज अपनाई है और ये सभी स्ट्रेटेजीज बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा है। क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन 2024 में मेजॉरिटी सीट्स जीत पाएगी और क्या अपने अकेले दम पे सरकार बना पाएगी, ये तो 8 अक्टूबर को पता चल ही जाएगा। बाकी बीजेपी ने काफी बड़ी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट किया है, जिसमें डेलिमिनेशन प्रोसेस एक सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है, जिसमें पॉलिटिकल अलायंसेस बनाना और रीजनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डिस्कशन करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 में असेंबली इलेक्शन में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ने के लिए, देश की पॉलिटिक्स के साथ जुड़ने के लिए कंबाइंड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन क्लिक कर लो, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो, ऐसे ही पॉलिटिकल कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहे। बला आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय।